अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए पोटा सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, तो चले फिर इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। अब इसमें मक्खन शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सेवइयाँ शामिल करूँगी, ये पोटा सेवइयाँ हैं घर की बनी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें मक्खन में थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें सब्ज़ इलाचियाँ शामिल करूँगी, ये 3 इलाचियाँ हैं मेरे पास, इन्हें खोल के शामिल कर देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं इन्हें रोस्ट करते हुए, अब इन्हें निकाल लेंगे। इसी मक्खन में ये कुटा हुआ गुड़ है मेरे पास, एक पाव ये शामिल कर दिया मैंने। ये गुड़ में बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं, आप चाहें तो चीनी भी शामिल कर सकते हैं। गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसमें दूध शामिल करूँगी, ये 1 लीटर दूध लिया है मैंने। दूध को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चमचा हिलाते जाएंगे। अब दूध को बॉयल आने तक पकाएंगे। ये देखिए दूध में बॉयल आ चुका है, अब सेवइयाँ शामिल करूँगी। मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट इनको ऐसे ही पकने देंगे और साथ साथ चमचा भी हिलाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि जो साइडों पे लगता है वो ना लगे। ये देखें नाज़रीन, सेवइयाँ हमारी पक चुकी हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इन्होंने मज़ीद गाढ़ा हो जाना है, इसलिए फ्लेम को बंद करेंगे और इन्हें डिश आउट करेंगे। ये देखें नाज़रीन, हमारी सेवइयाँ पक कर तैयार हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। आप खुद खाएँ, बच्चों को दें। ये चक्की के आटे की सेवइयाँ बहुत ही मज़ेदार हैं। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।